हस्बैंड चेंज, हर 6 महीने हस्बैंड चेंज। आदिल, अब तू पता है, आदिल से पहले मेरे जितने सारे बॉयफ्रेंड्स थे, हस्बैंड्स थे, वो सब ना टाइम पास थे। बट आदिल, नो, आदिल तो यहाँ रहता है। आपकी बयान देने के बाद में बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर भी उंगली उठाई है। कल के वीडियो में हमने देखा कि कितने लोगों ने तो पुतले भी जलाए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या जलाया? पुतले भी जलाए। क्या ये लोग राखी सावंत के समर्थक हैं? मैंने कुछ मीडिया वालों के जरिए ये जाना है कि राखी सावंत को बहुत दिक्कत हो रही है मुझसे और मेरे पुलिस चौकी पर जाकर उनके भाई मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पीड़ित महिला पुलिस चौकी पर जाकर अपने मोलेस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है तो क्या इससे किसी और को आपत्ति होनी चाहिए या नहीं? हाँ, मोलेस्टर के खानदान वालों को, मोलेस्टर के करीबी दोस्तों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन क्या यह गलत है? गलत है क्या? हाँ, अगर हम इंसाफ की गुहार लगाने पुलिस चौकी न जाएं तो कहाँ जाएं? हाँ, राखी सावंत के घर जाएं, उससे ये निवेदन करें कि वो हमें इंसाफ दिलाए? शर्म आनी चाहिए उसे। एक महिला होते हुए पीड़ित महिलाओं के प्रति वो सहानुभूति नहीं दिखा सकती है? हाँ, महिला है ना, है कि नहीं? या इस पर भी सवाल पैदा हो सकता है? अजीब बात है ये। अरे, वो 31 किलो मेकअप लगाती है, क्या हमने कभी कोई सवाल खड़ा किया? क्या हमने पूछा वो इतना मेकअप क्यों थोपती है? अपने गंजे सर को छुपाने के लिए हेयर एक्सटेंशंस और विग का इस्तेमाल करती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? हर 3-4 महीने अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? हर 6 महीने अपना पति बदलती है, हस्बैंड बदलती है, हमने कभी पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? नहीं, क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। लेकिन जब कोई पीड़ित महिला पुलिस चौकी जाती है, उसके भाई मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ FIR दर्ज कराने या शिकायत दर्ज करने, तो उसे दिक्कत होती है, उसकी जलने लगती है, तो क्या किया जाए? बताइए क्या किया जाए? बर्नौल भेजा जाए उसके घर पर? हद है, इनफ इज इनफ। पता है हम सबको कि राखी सावंत दुनिया की नंबर 1 अटेंशन सीकर है, इस बात में कोई दोराई नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की, एक लिमिट होती है। अरे, अगर हम पुलिस के पास न जाएं तो किसके पास जाएं अपनी शिकायत लेकर? और बात यहां पर सिर्फ शेरलिन चोपड़ा की नहीं हो रही है, बात उन तमाम पीड़ित महिलाओं की हो रही है जिन्होंने हिम्मत करके मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया, अपना अनुभव साझा किया। उनके नाम पता है ना आपको? सलोनी चोपड़ा, सिमरन सूरी, रेचल वाइट, मंदना करीमी, अहाना कुमरा, करिश्मा उपाध्याय, जिया खान, डिंपल पॉल, रानी चैटर्जी, कनिष्का सोनी, ये कुछ नाम है जो मैं आपको सुना रही हूं। ऐसे कई महिलाएं हैं जिन्होंने डर के मारे, शर्मिंदगी की वजह से सामने आकर अपना अनुभव साझा नहीं कर पाए। तो राखी सावंत को समझना चाहिए कि बात यहां पर सिर्फ शर्लिन चोपड़ा की नहीं हो रही है। वो कहती है, अरे शर्लिन चोपड़ा तो जिस्म की नुमाइश करती है। तो बहन, आप क्या करते हो? चर्बी की नुमाइश करते हो ना। अरे शर्लिन चोपड़ा तो अंग प्रदर्शन करती है। तो आप क्या करते हो? बदसूरती का प्रदर्शन करते हो।
हमारा संविधान ये नहीं कहता कि अगर कोई महिला अंग प्रदर्शन करती है तो इसका मतलब वो रजामंद है, बिल्कुल नहीं। जिस्म नुमाइश करना रजामंद होना बिल्कुल नहीं है, उसको समझना चाहिए। न्यूडिटी डज नॉट टैंटामाउंट टू कंसेंट। लेकिन नहीं, दिमाग से पैदल है वो औरत, समझती नहीं है। अरे हर आए दिन शेरदिन चोपड़ा पुलिस चौकी जाती है, हाँ, यौन शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। हर 3-4 महीने आप अपने बॉयफ्रेंड्स नहीं बदलते, हमने कभी कुछ बोला? चुप रहते हैं हम ये सोच कर कि आपकी जिंदगी है, आपकी मर्जी चलनी चाहिए आपकी जिंदगी में। लेकिन हम जब इंसाफ की गुहार लगाने जाते हैं आप हम पर चढ़ जाते हैं। क्यों? आप कह रहे हैं कि आपके भाई साहब मी टू आरोपी साजिद खान निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, तो फिर जांच पड़ताल होने दो ना, दिक्कत क्या है? जांच पड़ताल होने दो, कानूनी कार्रवाई होने दो। लेकिन नहीं, ये ऐसी है वो वैसी है, ये अपना जिस्म दिखाती है। अरे भाई मैं आप सबसे पूछती हूँ, अगर कोई महिला अपना जिस्म दिखाती है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो रजामंद है? इसका मतलब ये है कि उसके साथ बलात्कार किया जाए? क्या इसका ये मतलब निकलता है? दिखाइए आप, वहां पर महिलाएं खड़ी हैं, वो सर ऐसे करके बोल रहे हैं, नहीं इसका ये मतलब नहीं निकलता है। बेवकूफ नालायक छिजोरी है वो, एक नंबर की। अरे अटेंशन के लिए और भी कई तरीके होते हैं अटेंशन पाने के लिए। वेल, और भी लोग आपके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगी? आज तक तो हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन आपका पुतला वगैरह भी जला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आज इनका आँख खुला है, इतने टाइम तक तो नहीं। अरे बाबा, उन सभी दिमाग से पैदल लोगों से कहो कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था MJ अकबर वर्सेस प्रिया रमनी के केस में, ठीक है? तो कोर्ट ने ये कहा कि एक पीड़ित महिला कई दशक बाद भी अपने यौन शोषण के अनुभव के बारे में बता सकती है, अपने इस अनुभव को साझा कर सकती है वारदात के कई दशक बाद भी। इसका मतलब ये नहीं कि अरे बहुत टाइम हो गया ना तो रहने दो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज कई साल बाद हिम्मत पैदा हुई है आप लोगों से बात करने के लिए, आज कई साल बाद हिम्मत पैदा हुई है पुलिस चौकी जाकर मी टू आरोपी साजिद खान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए। तो आप कह रहे हैं अरे पहले आप कोमा में थे क्या, बेहोश थे क्या? नहीं, पहले डरे हुए थे, अब जाकर हिम्मत पैदा हुई। अरे साजिद खान कोई छोटा मोटा नाम है क्या? फराह खान का भाई है, और फराह खान कोई छोटी मोटी हस्ती है क्या? सलमान खान और शाहरुख खान की चहेती हैं, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? तब हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत पैदा हुई। अच्छा, आज हिम्मत पैदा हो गई, ये हिम्मत कहाँ से आई? मी टू मूवमेंट के चलते ये हिम्मत पैदा हुई। 2018 में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ था ना भारत देश में, तो जब अनेक महिलाएं आगे आकर अपना अनुभव साझा करने लगी, बताने लगी कि देखो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और हम भी शिकार बने थे, हम फलाना के पास गए और फलाना ने हमारे साथ गलत किया, ज्यादती की, जबरदस्ती की, तब जाकर हमें एहसास हुआ कि कसूरवार हम नहीं हैं। तब जाकर पता चला कि अरे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कई पीड़ित महिलाएं हैं, तब जाकर हिम्मत पैदा हुई। वेल, सलमान खान का भी जिक्र किया है कल राखी सावंत ने, आप क्या कहना चाहेंगे? वो बोल रहे थे कि मेरे भाई के बारे में भी ये वो आरोप लगा रही है। अरे उस चर्बी की दुकान को बोलो कि सलमान खान सिर्फ उसके भाईजान नहीं है, हम सभी महिलाओं के भाईजान हैं, हम भी उनको भाईजान मानते हैं। बताओ जाकर उस मनहूस बहन को, सड़ियल बहन को, कि बंद करे ये नौटंकी। अरे एक बहन अपनी दूसरी बहन के लिए खड़ी नहीं हो सकती? वो कह सकती है हाँ शेरलिन चोपड़ा मैं आपके साथ खड़ी हूँ, अगर मेरा भाई गुनेगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ आप जांच पड़ताल की मांग कर रहे हो ना, यस जाओ मांग करो, जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो कह रही अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो पुलिस चौकी कैसे चली गई? हिम्मत पैदा हुई, मेरी बहन
मेरी सड़ियल बहन हिम्मत पैदा हुई एंड थैंक गॉड कि हिम्मत पैदा हुई। वेल मुंबई पुलिस ने आपको क्या सपोर्ट दिया है अब तक? आपने लाइक कंप्लेन किया है और अभी भी साजिद खान अंदर ही अपना मस्त वो तो गेम खेल ही रहे हैं, तो क्या है इसके ऊपर कुछ मुंबई पुलिस करेंगी या नहीं करेंगी? देखिए 29 अक्टूबर की रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास एक महिला पुलिस अधिकारी ने मेरा बयान लिया और मुझको ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। मैं और तमाम पीड़ित महिलाएं हम सब सीएम सर के ऑफिस के बाहर खड़े होकर निवेदन करेंगे एकनाथ शिंदे सर से कि वो हमें इंसाफ दिलाएं। अब और किसके पास जाएं हम मुझे नहीं पता, आई थिंक सीएम साहब के पास जाना ही सबसे बेहतर होगा क्योंकि हमारे राज्य के मुख्य वही हैं। मुखिया, मैंने मुखिया बोला, मुखिया। आपने कभी देखे ऐसे डोले शोले? हाँ देखे ऐसे? हाँ हाँ, जरा ऐप्स दिखाइए। उस चर्बी की दुकान से कहो कि टाइम पास ना करे, जिम जाए, जिम के अंदर भी जाए, सिर्फ जिम के बाहर खड़े होकर हाँ मीडिया के सामने है नॉनसेंस। अरे जिम के अंदर घुसो, जाओ वेट लिफ्टिंग करो, डोले शोले बनाओ, बॉडी बनाओ, लेकिन नहीं, मेहनत नहीं कर रही है मैडम को, बस 24 घंटे मीडिया पापराजी, मीडिया पापराजी, नौटंकी, चर्बी की दुकान। और क्या बोल रही थी वो? शर्लिन चोपड़ा को फोड़ दूंगी, उसको लटका दूंगी। अबे ए चर्बी की दुकान चल मेरे सामने, बस खड़ा होकर दिखा, इतना कर, आजा मेरे सामने, बस एक बार खड़ी होकर दिखा, फिर देखते हैं, ये सब बातें बहुत दूर की बात है। लटका दूंगी, फोड़ दूंगी, ये कोमल नाजुक हाथ 2.5 किलो से ज्यादा भारी है, बड़ी आई, नॉनसेंस, मोटर माउथ कहीं की, सड़ियल, खुद थोप थोप के मेकअप लगाती है। अरे क्या है ये नॉनसेंस? अरे वो मेकअप लगा कर क्यों गई पुलिस चौकी? संविधान में लिखा है क्या कि अगर पीड़ित महिला को अपना अपनी शिकायत दर्ज करनी हो तो वो मेकअप का इस्तेमाल ना करे, ऐसा कोई रूल है, नियम है? मुद्दे की बात करो ना, दम है तो बोलो, हाँ कानूनी कार्रवाई हो, जांच पड़ताल हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। बेवकूफ मनहूस, धब्बा है धब्बा औरत जात पर,